इतना ही था तो मैसेज कर देता, इतनी खुड़ा कर चलन हो रही थी। तो गाना वॉयलेंट है हमारा भाई, गाना वॉयलेंट है, मतलब हाथ तो आई ना, अभी हाथ आगे तो गलती हो जाए। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं एल्विश यादव वर्सेस आसिम रियाज। तो दोस्तों मैंने आपको अपनी पहले की वीडियो में बताया था कि आसिम रियाज ने एक स्टेटमेंट दी थी जहाँ पे उन्होंने कहा था कि किसी भी सीजन में मेरी और सिद्धार्थ शुक्ला की जगह कोई नहीं ले सकता, किसी में ऐसी कोई हिम्मत नहीं है। मैं आपको वो वीडियो फिर से दिखा देता हूँ, जरा देखिए। तो अब ये वीडियो एल्विश यादव ने भी देख ली, तो एल्विश यादव ने आसिम रियाज को वार्निंग देते हुए कुछ ये कहा। नाम नहीं लूंगा मैं, पर हमारे बिग बॉस के कुछ एक्स कंटेस्टेंट जिनकी मार्केट में बहुत रिस्पेक्ट है, हमारी नजरों में भी है थी, आई डोंट नो, मतलब है ही एक तरीके से, नहीं है वैसे। भाई भाईयर का यार टाइम चला गया, भाईयर अब क्लाउट लेने के लिए देखो गलत सलत नाम ले रहे हैं यार, फिर मिडल फिंगर वगैरह दिखा रहे हैं। एक भाई हमारे कहीं क्लब क्लब में जाकर कुछ कुछ कहता बताया मेरे बारे में, अरे नु करो। मैंने देखी आज वीडियो, आज देखी मैंने वो पहले की वीडियो, मतलब एक दो दिन हो चुके शायद उसको, आई डोंट नो, बट मेरे पे आज किसी ने भेजी ऊपर चढ़ानी है ना ऊपर कि एल्विश भाई देखो ये क्या क्या कह रहा तुम्हारे बारे में। मैंने खोल के देखी, मुझे यकीन नहीं हुआ पहले, फिर मैंने देखा मैंने कि ओके ओके, तो भाई ने मिडल फिंगर दिखाई, देखो यार हम कॉन्ट्रोवर्सियों से बहुत दूर है, ना किसी का नाम लेते अब कि भाई वो खराब कर रहा है, ये कर रहा वो कर रहा, हम अपने से मतलब रखते हैं कि भाई हम अच्छे से ग्रो करें, ये नहीं कि टाइम चला गया तो हाथ मारे आ गया कि किसी को गाली पक देता हूँ ऊपरली साइड से, वो ऐसा कुछ होगा तो हाइप आ जाएगी। इन चीज़ों से मैं थोड़ा ऊपर बढ़ गया, तो देखो कोई गाली गलौज तो मैं दूंगा नहीं, भाई यार भाई थोड़ा गंदा हो रहा हमारे लिए, वैसे मुझे पता नहीं क्यों हो रहा बट गलत सलत बोल रहा, चलो बोलने तो कोई बात नहीं, पर हमारा तुम्हें कि भाई हमारे आगे करके दिखाओ, ये सब सेम चीज़ है, सामने करो तो मजा भी आया है ना, हमारे सामने करो तो हम देखें अभी ढंग से कौन सी उंगली उठ रही है, कौन सी दबा रही है, जो कहता है उंगली उठेगी तो पीछे ही जाएगी, सामने उठाई तो ऐसे तो कुत्ते दुनिया जगह भोंका है भाई, ना हमने किसी से लेना देना, ना हम किसी की बुराई करते, पर अगर कोई फालतू फंडी की बकवास करा फिर हम छोड़ते भी नहीं, इतना ही था तो मैसेज कर देता, इतनी खुड़ा कर चलन हो रही थी तो, पर कोई बात नहीं, मुझे लगता नहीं कि उसके दिमाग है इतना, उसको ये सब चीज़ें समझ आए। गाना वॉयलेंट है हमारा भाई, गाना वॉयलेंट है भाई, हम तो भाई सीधा कह रहे हैं कि हमारे आगे आके कर दो, हम देख लेंगे बाकी। तो दोस्तों अब बात करते हैं फुकरा इंसान की, तो फुकरा इंसान को बहुत ज्यादा हेट मिल रहा है। दोस्तों कल वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच देखने श्रीलंका गए थे और वहाँ पे उन्होंने एक फोटो टैग बर्नर और एक पाकिस्तानी यूट्यूबर के साथ ट्वीट करी थी, और उसके बाद से ही फुकरा इंसान को हेट मिलना चालू हो गया था, क्योंकि जो पाकिस्तानी यूट्यूबर था वो बेसिकली बीफ के ऊपर वीडियो बनाता है, काउ कुर्बानी के ऊपर वीडियो बनाता है, तो लोगों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। पर इस पे सम्राट भाई ने भी रिएक्ट करते हुए कुछ ये कहा, सिर्फ फुकरा इंसान को ही क्यों टारगेट कर रहे हो भाई, बीफ लवर के तो काफी इंडियन दोस्त हैं। और सम्राट भाई ने इस ट्वीट के साथ साथ कैरी मैटी के साथ एक फोटो अटैच करी उस बीफ लवर की, और तो और दोस्तों उस यूट्यूबर की सौरभ जोशी और फ्लाइंग बीच के साथ फोटो अब बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। तो इतना हेट मिलने के बाद फुकरा इंसान ने वो फोटो डिलीट कर दी और उन्होंने अपनी जस्टिफिकेशन में ये कहा, क्रिकेटर्स फ्रॉम बोथ द कंट्रीज मीट ऑन फील्ड द सेम वे यूट्यूबर्स मीट, वी डू नॉट एनालाइज और कीप अ ट्रैक ऑन व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट दे आर अप टू करंटली और फूड दे ईट, Still being proud Hindu personally, I do not appreciate this and took the post down. #JaiShriRam. तो दोस्तों अब बात करते हैं अंकित बयान पुरिया की। अगर आप इन्हें नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ, वैसे ऐसा हो नहीं सकता कि आप इन्हें नहीं जानो, क्योंकि पूरी इंडिया भी इन्हें जान गई है। दरअसल इन्होंने 75 हार्ड डे का चैलेंज लिया था जिसमें इन्हें 75 डेज तक स्ट्रिक्टली वर्कआउट करना था। तो दोस्तों इनके 75 डेज पूरे हो चुके हैं, तो मेरी तरफ से many congratulations to him. और तो और दोस्तों न्यूज बॉय ने भी रिएक्ट करते हुए कुछ ये कहा, तो इस बात का है कि आज 75 डेज चैलेंज खत्म हो जाएगा अंकित भाई का। और दोस्तों टैक बर्नर ने भी इस पर रिएक्ट करते हुए कुछ ये कहा, राम राम भाई सारे ने, आज है बहुत ही स्पेशल दिन, अंकित बयान पुरिया भाई के हो चुके हैं 75 डेज पूरे, कांग्रेचुलेशन भाई, हम भी 75 इजी पूरा करने का ट्राई करेंगे, आई विश आपके सारे सपने पूरे हों और ऐसे ही पूरे इंडिया को आप इंस्पायर करते रहो, थैंक यू भाई, गुड लक। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।